हेलो। हाँ बोला बोला। संजय जी बोल रहे हैं? हाँ बोलते हैं। हाँ जी संजय जी, मैं प्रतीक्षा बोल रही हूँ लोकमत से। संजय जी, क्या मांग है और कब तक रहेंगे ड्राइवर स्ट्राइक पर? मैडम आज तो शुरू हुई है मुंबई से। जी मेरे ख्याल से आज अगर सरकार और ओला उबेर की कोई मैनेजमेंट चाहे तो इसमें दखल अंदाजी देके बात कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी कोई अहमियत ही नहीं समझते तो मेरे ख्याल से हमें इंडिपेंडेंट के लिए चलाना पड़ेगा। मांग क्या है? मांग तो मेरा कहना यह है कि जो अपने देश का कानून है, जो सर्विस पब्लिक सर्विस कार की जो कानून है, वो पब्लिक सर्विस कार या मुंबई में काली पीली टैक्सी बोलते हैं, अगर वो कानून अगर काली पीली टैक्सी को है तो ओला उबेर भी वही सर्विस दे रही है लोगों को, तो जो वो कानून काली पीली टैक्सी को है वो कानून ओला उबेर को भी लगना चाहिए। ये पहली सबसे बड़ी मांग है जी। और सरकार से ये मांग है। दूसरी बात ये है कि ओला उबेर के मैनेजमेंट या कोई जिम्मेदार आदमी अभी तक ये नहीं समझता कि हम जो कहे हम जो करे वही चलेगा। जी हम लोग अगर वो 5 कदम आगे आके बात करना चाहते तो हम भी 10 कदम आगे आके उनसे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर वो ये सोच रहे कि इस देश में गैर कानूनी तौर के ऊपर अगर ऐसे ही वो लोग अपना बिजनेस चलाते रहेंगे तो मेरे ख्याल से ये मुंबई में महाराष्ट्र नौजवान वापस देने की तरफ से इसकी आज की शुरुआत हुई है, वो होने नहीं रही है। जी लगभग ये भी है कि कह रहे हैं कि ड्राइवर्स को उनकी लागत नहीं मिल रही है, तो क्या अमाउंट था, कितना बोला गया था उनको? मैडम एक तो ड्राइवर को एक छोटा सपना दिखाया इन लोगों ने कि आप मालिक बन जाओ, हमारे पार्टनर बन जाओ, जिसकी कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई डील नहीं, कुछ कागज के ऊपर लिखी पड़ी नहीं, और पहले जो सपना दिखाया था वो थोड़े से दिन के लिए वो सपना था, आखिरी दिनों में सिस्टिंग बैठ गई तो ओला उबर ने अपनी खुद की गाड़ियां ले ली और जो ओरिजिनल बिजनेस है वो तो अपने गाड़ी को देखे बचा हुआ जो बोलते है ना छाटा हुआ माल इन ड्राइवर लोगों को मिलने लगा, तो 25-30 हजार रुपया महीने की आमदनी में गाड़ी का कर्जा, घर का खर्चा, चलाते चलाते इन लोग के इसी इतनी बेहाल है कि उनके पास एक ही है, जैसे महाराष्ट्र के किसान कर्जे के पीछे दफ्तर खुदकुशी कर रहे हैं, वैसे ही अगर ओला उबेर कर ले तभी इन लोग की आँख खुलने वाली है क्या, ये मेरा सबसे सवाल है। जी 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 तो मतलब अभी आप कह रहे कि इनडेफिनेट स्ट्राइक पे रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। ये मैडम थोड़ा सा ये आपके शब्द का ये दर्शाओ स्ट्राइक नहीं है, क्योंकि हम लोग पार्टनर है तो दूसरे की हमको बिजनेस नहीं करना है, फिर हम लोग ऑफलाइन पे गए हुए। जी 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 बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, लोकपति से बात करने के लिए शुक्रिया।